टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर के खुर्जा में चल रहे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी DFCC के कार्य के लिए DFCC द्वारा अधिग्रहण की गई किसानों की जमीन के लिए लंबे समय से किसानों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था, जबकि DFCC के निर्माण के लिए लाए गए ट्रेन की पटरी की रैक को भी किसानों ने रोक लिया था और DFCC का काम रुकवा दिया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे खुर्जा के उप जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता ने किसानों से वार्ता के बाद DFCC का कार्य चालू करवा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगातार कई महीनों से किसानों द्वारा धरना जारी था, जिसमें प्रशासन द्वारा अनेकों बार वार्ता की गई और उन्हें सभी तथ्यों को बताया गया, बिंदुवार बताने का ये प्रयास किया गया कि प्रकरण माननीय न्यायालय से आच्छादित है और इसका जो भी मुआवजे में वृद्धि है केवल आर्बिट्रेशन के माध्यम से ही किया जा सकता है, लेकिन अनुचित दबाव और अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसानों ने अनेकों बार प्रयास किया है, अभी कल भी प्रयास किया है और आज जो है धरने को एक रेल रैक आके खड़ी हुई थी जिसको उतरवा दिया गया है और काम अभी वर्तमान में जारी है। अगर किसानों की माने तो उन्होंने बताया कि धरना दे रहे किसानों को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन किसानों को हिरासत में लिया था, जिसके लिए किसानों ने आज बुलंदशहर पहुंचकर जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि वार्ता के बाद अधिकारी हिरासत में लिए गए किसानों को बिना शर्त रिहा करने का आश्वासन दे रहे हैं। गौरतलब है कि खुर्जा के मदनपुर में करीब 500 से भी ज्यादा दिन से 27 गाँव के किसान अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर धरनारत हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।